तो गाइज लगता है वक्त आ चुका है यूट्यूब को क्विट करने का, क्योंकि जो किस्मत में नहीं वो किसी को नहीं मिलता। कितनी भी मेहनत करके उसे हासिल क्यों ना कर लो, आखिर वो चला ही जाता है। किस्मत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन इतनी बुरी मेरे दुश्मनों की भी ना हो। पहले तो 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो गया, और अब इस चैनल को भी डिलीट करवाने के लिए कुछ लोग फेक स्ट्राइक मारने पे लगे हैं। एंड ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, एक चैनल को उठाने में सालों की मेहनत लगती है, और जब वो मेहनत पल भर में खत्म हो जाए ऐसे में आप लोग क्या करते। बहुत से यूट्यूबर आए और गए, सब लोगों ने कुछ दिनों तक उन्हें याद किया, उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ है, किस हाल में है और है भी या नहीं। अरे भाई रुको रुको, ज्यादा इमोशनल मत होना भाई, ये एक सच्चाई है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और वैसे भी एक न एक दिन तो सभी को जाना ही है, तो क्यों ना मैं आज ही चला जाऊँ। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, आखिर में कोई आकर अपनी मेहनत पे पानी फेर दे। मतलब हार गया आपका हीरो, अब क्या करेगा आपका हीरो? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। नहीं आपको क्या लगा था भाई, जो बंदा तब हार नहीं माना जब उसके चैनल पर खुद गरीना ने 2 स्ट्राइक मारी थी, तो क्या अब ऐसे चोमू लोगों की फेक स्ट्राइक से मैं डर जाऊंगा और यूट्यूब क्विट कर दूंगा? नहीं भाई ऐसा सोचना ही मत, क्योंकि इस चैनल पे मैंने जो मेहनत किया है और आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है उस वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा चैनल अपना ही है, और ये बहुत प्राउड की बात है। एंड कोई भी ओंगा पोंगा बंदा आके इस पे फेक स्ट्राइक मार के इसे डिलीट करवाने की कोशिश करेगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा? गाइस फिलहाल तो स्ट्राइक नहीं हटी है। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चैनल पे स्ट्राइक है तो वीडियो कैसे अपलोड हो रही है भाई, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ने पर वीडियो अपलोडिंग बंद नहीं होती, बल्कि गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ने पर वीडियो अपलोडिंग बंद होती है। और अपने चैनल पे गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी यूट्यूब के रूल्स का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि कॉपीराइट स्ट्राइक है, वो भी फेक स्ट्राइक, जो कि मेरे ही थंबनेल को यूज करके एक कुकर्मी इंसान ने मेरे ही चैनल पे स्ट्राइक मारी है, और अभी भी वो बंदा पूरे प्रयास में लगा है चैनल को डिलीट करवाने के। ना तो उसने अभी तक स्ट्राइक हटाई है और शायद ना ही हटाएगा, लेकिन जितने भी बंदे हमारे सपोर्ट में हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। और आने वाले टाइम पे आप सभी के लिए बड़ा वाला सरप्राइज भी प्लान कर रहा हूँ, और जो भी यूट्यूबर ने ऐसे वक्त में साथ दिया है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों का असली चेहरा भी देखने को मिला, जो कि भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। बुरे वक्त की ये अच्छी बात होती है कि कौन आपका साथी और कौन विश्वासघाती है सब पता चल जाता है। बाकी 90 डेज में तो स्ट्राइक एक्सपायर हो ही जाती है, लेकिन इतना हमसे इंतजार नहीं होगा, इसलिए मैं उस बंदे को वार्निंग दे रहा हूँ, 7 दिन के अंदर चैनल से स्ट्राइक हट जानी चाहिए, वरना तैयार रहना भाई, लीगल एक्शन जब होगा ना तो ये व्हाट्सएप और इंस्टा पे जो सिग्मा वाली स्टोरी लगाता है ना भाई, सब बाहर आ जाएगा भाई, सारी हवाबाजी उतर जाएगी। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, वो फेक स्ट्राइक मारने वाला बंदा इतना हरामखोर है ना, पहले तो उसने मेरे ऊपर फेक एलिगेशन लगाए, केस वगैरह किया, जो कि नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जैसा वो बंदा वीडियो में भोकने पे लगा था। बहुत से बंदे उसकी फेक स्टोरी सुन के मुझे गाली भी देने पे लगे थे, बट मैंने फिर भी उसका रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं ऐसे कंट्रोवर्सी करना ही नहीं चाहता, जिस वजह से मैंने उसे काफी दफा माफ किया। लेकिन कुछ बंदे माफी के काबिल ही नहीं होते, उनको खुजली रहती है दूसरे से उलझने की, तो वो बंदा जबरदस्ती कंट्रोवर्सी करने के लिए मेरे चैनल पे फेक स्ट्राइक मरवा देता है ताकि मैं उसे रिप्लाई दूं। अभी तक तो मैं चुप था, बट सबर की भी सीमा होती है, जो कि उसने लांग दी है। जब खुद पे बीती तो वो बंदा रोने लगा और दूसरे को जबरदस्ती उंगली करने पे लगा है। तो भाई अब बहुत हुआ, मैं अब आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ, आप लोग ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लीगल एक्शन तो मैं इजीली ले सकता हूँ, बट जो बंदा ये सब करवा रहा है उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, 16-17 साल है, और ये सारे काम करके वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने पे लगा है, क्योंकि अगर मैंने उस पे लीगल एक्शन ले लिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता क्योंकि किसी का बुरा मैंने आज तक नहीं किया। बाकी मैंने 7 दिन का तो टाइम दे ही दिया है, अगर इतने दिनों के अंदर स्ट्राइक नहीं हटी तो फिर मुझे एक्शन लेना ही होगा। और अगर गलती से भी और फेक स्ट्राइक आती हैं, जो कि बंदे कोशिश में लगे हैं मारने की, फिर तो भाई गेम ओवर हो सकता है अपने चैनल का। लेकिन टेंशन मत लो, चैनल को तो ऐसे जाने नहीं देंगे। आप लोग जल्दी से पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में से हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टॉपिक पे और वीडियोस उसी चैनल पे आएंगी और एक एक चीज का रिप्लाई दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं जो भी एक्शन लेने वाला हूं उसका व्लॉग भी आएगा उसी चैनल पे, क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा मैं कंट्रोवर्सी करता नहीं हूं, इसलिए मैं ऐसे लोगों का रिप्लाई भी नहीं करता जो बस फेम पाने के लिए ऐसी गिरी हुई हरकतें करते हैं। कभी बोलते हैं YouTube इंडिया में शटडाउन होने वाला है क्योंकि उस पे मैंने केस कर दिया है, और कभी वो फेक एलिगेशन लगा के केस कर देते हैं, ऐसे लोगों का क्या ही कहना। बाकी ये लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक पे, और मैं नहीं चाहता कि मैटर आगे बढ़े, इसलिए दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, शांति से स्ट्राइक हटा दे, वरना ये वाले चैनल पे खोल के बजाई जाएगी एक एक प्रूफ और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, जो कि मेरे पास पड़ी है। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम पे। अब ये स्ट्राइक हटे या न हटे, मैं अपना रेगुलर वीडियोस वगैरह तो डालता ही रहूंगा और लाइव भी करता रहूंगा। बाकी सारे अपडेट जानने के लिए पिन कमेंट वाले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे से अगर बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।